सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को अब तक बीजेपी जो है ये क्लियर नहीं कर पाई है कि उन्हें कहां से चुनावी मैदान में उतारेगी, जिसके बाद पवन सिंह को लेकर खबरें निकलने लगी कि पवन सिंह जो है वो राजद से चुनाव लड़ सकते हैं, राजद उन्हें आरा से टिकट दे सकती है। इस पर पवन सिंह ने भी साफ कहा कि अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है, मैं बीजेपी का संगठन का सदस्य हूं, बीजेपी मेरा परिवार है, वैसे में मैं आखिरी दम तक बीजेपी के साथ ही रहूंगा। लेकिन पवन सिंह को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो पवन सिंह ये भी साफ कर दिए हैं कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे और 2024 लोकसभा का चुनाव ही लड़ेंगे। वैसे में क्या पावर स्टार पवन सिंह जो है वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं बिहार में, ये तमाम सवाल जो है खड़े हो रहे थे। इसी बीच में दो और नई एंट्री आती है, गुंजन सिंह और मनीष कश्यप का। जी हाँ, अब गुंजन सिंह और मनीष कश्यप को भी सांसद बनना है और वो भी बीजेपी से उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी और चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन बीजेपी अब तक खामोश है। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह है तो दूसरे तरफ गुंजन सिंह है और तीसरे तरफ मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप की नजदीकियां जो है वो बीजेपी नेताओं से तरीके से सामने आ रही थी, आप लोगों ने सभी ने देखा है। लेकिन अब इसी बीच में मनीष कश्यप ने भी ऐलान किया है कि उन्हें भी सांसद बनना है और सांसद बनने के लिए किसी भी पार्टी का रुख कर सकते हैं, यहां तक कि वो राजद में भी जा सकते हैं, वही राजद में जिस पर मनीष कश्यप काफी गंभीर आरोप लगाते आ रहे हैं, सबसे अच्छे और करीबी दोस्त गुंजन सिंह का। जी हाँ, गुंजन सिंह भी अब सांसद बनना चाहते हैं और गुंजन सिंह भी बीजेपी से टिकट लेना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा सिर दर्द इस वक्त 2024 लोकसभा माना जा रहा है, खास करके बिहार, क्योंकि बिहार में 40 सीट है और 40 सीट में तीन भोजपुरी के जो ये दावेदार हैं, ये बीजेपी की बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं अगर बीजेपी इन्हें साइड करती है। ऐसे में क्या ये राजद का दामन भी थाम सकते हैं अगर इन तीनों को बीजेपी साइड करती है, तमाम सवाल जो है वो खड़े होने लगे हैं। एक तरफ राजद जो है वो पावर स्टार पवन सिंह को ऑफर भी दे दिया और उन्होंने ये भी क्लियर कहा कि हम आपको आरा से टिकट देंगे, आप हमारे साथ आकर चुनाव लड़िए, जिस पर पवन सिंह अब तक खामोश है। पवन सिंह ने अब तक क्लियर नहीं कहा है कि वो राजद में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन पवन सिंह ये जरूर कहे हैं कि वो बीजेपी के संगठन के सदस्य हैं, आखिरी दम तक वो बीजेपी के साथ रहेंगे, अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो आगे का वो सोचेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। वैसे में गुंजन सिंह का क्या होगा और मनीष कश्यप का क्या होगा, क्या मनीष कश्यप भी बीजेपी के मुश्किलें बिहार में बढ़ा सकते हैं और देश में बढ़ा सकते हैं, अब देखने वाली बात होगी कि जब दूसरा उम्मीदवारों की सूची बीजेपी जारी करती है तो ये तीन जो स्टार है इसमें से किनका किनका नाम निकल कर सामने आता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।